नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों तो हमारे चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों हाथ जोड़ के, दोस्तों कैसे, आज हमारा दोस्तों 26 जनवरी है और आज हम सब भाइयों के दोस्तों छुट्टी था, पर आप लोग के लिए ये घंटा दोस्तों हम और हमारे ठेकेदार ये घंटा इस पीछे वाला बिल्डिंग में आप लोग के दिख रहा है। इधर सामने तो टाइल लगा हुआ है और पीछे वाला बिल्डिंग में दोस्तों ये घंटा हमने मेहनत करके चुनाई। दोस्तों 4 इंची दीवार ऐसे और 9 इंची दीवार ऐसे रंगत कैसे करते हैं, कहाँ डेली लगेगा, कहाँ पावना लगेगा, इसमें इतना आसान तरीका बताए हैं। और एक तरीका और बताए हैं, इंची टेप से दोस्तों गुनिया निकालना कैसे। अगर गुनिया निकालना आप लोग सीख जाते हैं तो समझिए दोस्तों चुनाई करके ऊपर तक गुनिया निकालना आप लोग के आसान हो जाएगा। तो बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, बहुत तरीका बता रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर देखना कैसे। हमारा आप लोग से छोटी सी विनती रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, कैसे आप लोग के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाया हुआ मेहनत सफलता मिल जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा उम्मीद भी रहता है इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते हैं और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर भूलना मत दोस्तों। कैसे आप लोग के लिए डेली वीडियो नॉलेजदार मैं बनाऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए। कैसे आप लोग के लिए मैं नॉलेजदार दोस्तों, अभी बिल्डिंग बहुत फाइनल पूरा बाहर और अंदर से पूरा अभी हम ही को प्लास्टर करना है, तो अच्छा अच्छा नॉलेज मिलते रहेगा। तो ज़रूर आप लोग सीखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ, वीडियो का लाइक शेयर जरूर करें। अगर आज के वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो हमारा आप लोग से छोटी सा उम्मीद है, कैसे आज पहली बार दोस्तों यूट्यूब पर हमारा ठेकेदार जी फीता से गुनिया निकाल कर बता रहे हैं और हम लोग यहाँ पर दोस्तों 10 राता लगाएंगे। गुनिया में चुनाई कैसे होता है और इंची टेप से निकालते कैसे हैं, देखिए अभी इधर हम लोग मसाला वसाला सब रख चुके हैं और चलिए हम लोग कर रहे हैं कैसे होता है। थोड़ा उतना हमको भी उतना जानकारी नहीं है, हमारा ठेकेदार जी तो पता ना विदेश कौन कौन दोस्तों देश में काम करके आए हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो इसमें काफ़ी देखने का मिलेगा, सीखने का मिलेगा आप लोग के। तो समझिए ऐसा वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं, एक हम लोग के चैनल है इसे आप लोग के इतना नॉलेजदार वीडियो आज बना रहा हूँ हम लोग और बता रहा हूँ, तो जरूर अंत तक देख कर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे दीवार लगने वाला है, 9 इंची के इधर जाने वाला है और 4 इंची के ऐसे आने वाला है। तो कैसे हम करते हैं, हाँ इस पर देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जब चुनाई स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से दोस्तों कलम से चुनाई आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हम पानी लगा लेंगे पहले, यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरीका से पहले पानी लगा लेते हैं हम लोग, इधर दीवार है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा सुबह से मैं विदेश में भी छिड़ते हैं ना, अच्छा पानी करे तो कब चल जाए। तो यहाँ पे इस तरीका से ऐसे कैसे हमारा छत में ना बिल्कुल पकड़ करेगा ना, तो इस तरीका से ऐसे आप लोग जरूर लगा लेना, जैसे दीवार जाने वाला है यहाँ पे4 इंच ये हो गया, चलिए 9 इंची रखना है ना, ऐसे चलिए मसाला बिछाओ अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बांध देते हैं, ये कलम से पकड़ेंगे ना, अंदर साइड वहाँ पे हम लोग ईंट रख के दोस्तों 9 इंची एकदम पूरा क्लियर कर दिए हैं, यहाँ से नाप लेते हैं दोस्तों। गुनिया में काम हो रहा है ना, गुनिया निकालना आप लोग सीख रहे हैं, तो इंटर में पकड़े हम, हाँ तो हाँ 11 फुट पूरा है अंदर अंदर, अब उधर भी
दोस्तों देखिए अभी हमारा दीवाल आया है, वो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। हाँ यार, अब इसको गुनिया हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये लो, निकाल देते हैं। अच्छा तो दिखाओ, वहाँ से 37 इंच का दरवाज़ा रहेगा, 3 फुट 1 इंच। ठीक है, यहाँ से आप लोग 4 इंची दीवार आ रहा है, थोड़े थोड़े मसाला रख के और इसको ऐसे इस तरीके से बिल्कुल आप मसाला कभी भी बिछाना एक बराबर से, यहाँ पे पूरा सौंस रखना पड़ेगा। हाँ हाँ धागा मिला कर ना और आएगा आगे तक। अच्छा यहाँ पे दोस्तों कभी भी दोस्तों ये हमारा जितना आएगा हाँ इस तरीके से ऐसे पूरे सिक्का में होना चाहिए। चलिए दोस्तों 37 इंच मार्जिन छोड़ते हैं ना दरवाजा। अच्छा, ये 3 फीट 3 फीट का दरवाजा आएगा। अच्छा, 1 इंच मार्जिन छोड़ते हैं उसके लिए। चौकट तो यहीं लगेगा, तो यहीं पर देते हैं या यहीं पर देते हैं ना। ठीक है, अब आपका इधर से 5 फुट लेना है। अब यहाँ से 5 फुट आप लोग मसाला रखो। ये आ गया 5 फुट। यहाँ पे इधर 9 इंच जाएगा ना। हाँ, उधर 9 इंच और इधर 4। ऐसे आप पहले थोड़ा जर में के मसाला है ना, थोड़ा मोटे बिछाना का ऐसे कहीं कटाई उटाई रहता है बैठने का ही क्या। चलिए अब इसको ऐसे कर दो, ऐसे कितने सूता में आएगा ऊपर से। कभी भी दोस्तों देखिए इसको सीधा रख देना और यहाँ से 4 इंच आएगा। नहीं रेखी तो अच्छा रेखी का इस तरीके से ऐसे फेंट लगा दो, फेंट लगा दो। कभी भी चुनाई भी करना है ऐसे फेंट लगा लेना और ये पूरा सूता वहाँ से 4 इंच और इधर से 4 इंच। डेली वाली तो अभी पड़ेगा नहीं ना, डेली नहीं जो आएगा उधर बाहर निकल जाएगा ना, उससे 4 बन जाएगा एक बार। दोस्तों नॉर्मल तरीका आप लोग सीख रहे हैं, कहीं भी रखना ना तो फेट लगा के रखना। अच्छा। मसाला का फेट लगाने से ना हाँ। वो मजबूती होता है। कभी भी दोस्तों फेट जरूर लगा लेना, हम लोग थोड़ा कभी कभी हर बॉडी में चला देते हैं ऐसा ही। अब इस तरीके से ऐसे पूरा फेट लगा लेना, अभी मसाला पूरा बिछा दो। बिल्कुल गुनिया कर देते हैं अभी, छोटा गुनिया फीता फेरी। और कभी भी ये सूता आप लोग ध्यान से इधर आके देखिए, पूरे सूता में ऐसे जाने देना दीवार और फिर यहाँ से ऐसे फेट लगा लेना है। देखिए हमने ईंटा यहाँ पे 4 इंची और हम लोग खींच चुके हैं और ये रहा डेली लगेगा कि इसको काट दो, थोड़ा छोटा 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 काट देते हैं, ऐसे पतला लग रहा है ना, काट देते हैं ऐसे। हमारा अच्छा तरीके से इसमें लग जाएगा, इस तरीके से ऐसे इसको बैठा देना। घर ना उधर से सीधा पकड़ना है, लेकिन इधर लगे रहिए। 4 इंच से ऐसे दीवार आया करंडे को कर ले। अब इधर 9 इंच जा रहा है ना। अच्छा, देखो दोस्तों ये जो ये दीवार है समझिए, अब वहाँ पे कितना समझो ये रंगत अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों गुनिया में,
यहीं से ना पकड़ना है, देख लीजिए थोड़ा इधर। हाँ ये मार दो दोस्तों, फुट एक इंची का थोड़ा ओपनिंग हो गया। हाँ बताते रहिए कैमरे में, इसमें आपका जाल पौना आएगा, वहाँ एक मिनट घुमाना पड़ेगा। अच्छा गुनिया फीका से करने के लिए ना कभी भी हम सिखा देते हैं। अच्छा। जितना छोटा रहेगा उतना छोटा भी निकालेंगे ना, तो बड़ा भी गुनिया निकल जाता है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग छोटा गुनिया कैसे करते हैं, जैसे इधर से हम लोग एमएम में मान लो ले लेंगे 400 mm, इधर से ले लिए। अच्छा आ गया, ठीक है 400। दोस्तों हम भी थोड़ा सीख रहे हैं कैसे, अब आप लोग काफ़ी नॉलेजदार हम लोग के वीडियो देखने का मिलेगा। यहाँ पे कितना 400 400। और इधर से हम नाप लेंगे 300, ये हमारा सही था फेस। अच्छा एक बार इधर से हम 300 पे निशान लगा लेंगे, ये हो गया। और इसको ऐसे फीता पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, ऐसे खड़ा करके दोस्तों ऐसे पकड़ के कोने पे, और यहाँ 500 पूरा मिलना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा कम मिल रहा है। हाँ। तो हम इसको हल्का सा इधर बोल रहे थोड़ा इधर काटने का। हाँ। बस ये पूरा 500 मिलना चाहिए। हाँ। जैसे 400 इधर से नापे हैं। हाँ। और इधर से 300 देखो, ये 500 दोस्तों कोने में दिखाइए, ये देखो पूरा 500 मिल रहा है ना, ये हमारा निशान है और ये 500 मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा इधर से सीधा थोड़ी करिए और इधर सूता में कर लो बस। ये तो फिर हमने नाप रखा है। हाँ, हाँ, ठीक है। और तो इसको यहाँ पे हमारा गुनिया में बिल्कुल ओके है। हाँ, एक ईंट में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, इसको बस सही कर, बिल्कुल ओके हो गया, क्लियर रख लेंगे। हाँ, हाँ, आप इसको चाहे गुनिया से भी चेक करोगे ना। अच्छा, गुनिया से भी चेक करोगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा वहीं पर, देखो। अच्छा देखो, इसको चाहे इधर से चेक करो चाहे इधर से भी करोगे, देखो बिल्कुल गुनिया में है। बिल्कुल, तो पिता से गुनिया निकालने के लिए ना एकदम आसान तरीका, इसमें मसाला भर दो, ये ओके हो गया पाया आपका। जैसे हम छोटे से निकाल लिए ना गुनिया में, अगर अगर हम इधर रखना 5 फीट इधर रखते जैसे ना 500 mm, तो नहीं जैसे कि मान लो अगर बड़ा गुनिया निकालना तो जैसे यहाँ पे मान लो हम नाप लेंगे 3 फीट। हाँ, वो भी तरीका थोड़ा बता दीजिए। तो आप इधर एक ईंट रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ 3 फीट पे। अच्छा 3 फीट इधर रखो। हाँ इधर इसके फेस में ईंट रखो। दोस्तों आप लोग भी सीख लीजिए कैसे, इसके कोर पे रखो बिल्कुल इधर। हाँ 3 फीट पे थोड़ा सा अंदर आएगा। ठीक है, ये हो गया ना। इधर से एक बार चूता चूता पकड़ लो, एक बार चूता रहेगा। अभी हम आपको बड़ा और थोड़ा छोटा और बड़ा दोनों आप लोग भी सीखिए। ठीक है, 3 फुट है ना, आप इधर से 4 फुट लीजिए। अच्छा मारो जैसे 4 फुट, 4 फुट हो गया ना। हाँ, जैसे मैंने यहाँ छोटा पकड़ा था ना सीधा, वैसे वो आप खड़ा करके पकड़ो वहाँ पे सीधा पकड़ो। यहाँ 5 फुट, यहाँ कोने में पकड़ेंगे, 5 फुट मिलना चाहिए कोने में। हाँ कोने में मिलना चाहिए, ये देखो 5 फुट मिल रहा है यहाँ पे। दुनिया में होगा, दुनिया में है, बाकी यहाँ से सूत बांध देंगे वहाँ पे। आप लोग तो इसको छोटा गुनिया किए थे इसलिए सूता में रखे, तो ऐसे ही वो गुनिया में मिलेगा। अच्छा, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, इधर से हमको 4 फुट नापना है और उधर 3 फीट। जैसे उधर 4 फुट नापेंगे और इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मिल जाएगा। आप सकते हो। अच्छा, जगह के हिसाब से देखते हैं ना, हम लोग जगह किधर ज्यादा है। दोस्तों कैसे यहाँ पे हम लोग छोटा दीवार लगा रहे हैं ना, यहाँ पाया जैसा है, इसलिए हम लोग छोटा गुनिया कर दिया और एक बड़ा वाला भी आप लोग सीख लिए। अगर चाहेंगे उससे भी बड़ा करने का तो वो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी आइडिया अच्छा हमको लगा, तो चलिए अब आगे हम लोग दीवार लगाते हैं। भर के लगा सकते हैं पूरा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक गुनिया, और एक बात यहाँ से ऐसे भी मिल जाएगा आप तो उधर से भी मान लो बराबर मिलेगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा ईंट में तो अपना आ जाता है कभी, जैसे प्लास्टर में दोस्तों आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये तो कोई मिस्त्री से आ सकता है, चाहे कोई इंजीनियर भी होगा तो मान लो नापी में है ईंट का कहीं कोर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ, ईंट तो बिल्कुल एक बराबर नहीं रहता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और जैसे इधर भी उसमें नहीं लगता है ना, वो ईंट तो गुनिया में ही होता है। अच्छा, गुनिया में होता है, उसमें नहीं लगता है। हाँ ये तो ठीक है, तो प्लास्टर के लिए हम बड़ा जब
निकालते हैं ना गुनिया, अगर इसको जैसे पाया लगा रहे हैं इसको कहीं से हम नापी नहीं कर रहे हैं तो इसको गुनिया करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बीम जो है ऊपर पे जाके फर्क न पड़े, वहाँ से साउल भी गिरा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल गुनिया में है, इसको भी हम नापी करके गुनिया कर लिए और सेम जाकर मिल जाएगा ऊपर। हाँ, सेम जाकर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, इसी टेप से तो आप लोग गुनिया करने का सीख चुके हैं, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने से आगे चल के आप लोग के क्या चीज़ में दिक्कत है वो हम लोग कोशिश करेंगे बताने का। अब इसमें आगे हम लोग दीवार जोड़ते हैं, जैसे दोस्तों हमारा 4 इंची से दीवार ऐसे आया और ऐसे हमारा 9 इंची जा रहा है, हमारा ये रंगत हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, उससे पहले दोस्तों ये हमारा पूरा गुनिया में हो चुके हैं। इसी टेप से आप लोग देख ही लीजिए कैसे जहाँ से मर्जी भी नाप के देख सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं। हाँ, बताइए। अगर मान लो इधर 9 इंची का ये पाया है ना, और इधर 4 इंची लेके जाना, तो 4 कैसे बनाओगे यहाँ पे? अच्छा, हाँ, तो इसके लिए ना यहाँ पे पावना डालना पड़ेगा। हमने तो यहाँ हमने तो बनाते हैं पावना डाल के, अगर कोई दूसरा तरीका भी है तो बता दीजिए। मेरा दूसरा तरीका है ही नहीं, इसमें आपको यहाँ पावना पावना डाल देंगे, ईंट के बीच में ईंट आना चाहिए, जैसे कि अभी लाओ पावना जैसे। हाँ, वो चीज़ हम सिखा देंगे, कहीं भी ये मान लो कि इसको बीच ईट में आना चाहिए। अच्छा, पावना भी होना चाहिए बीच, सही नहीं है इसको थोड़ा मतलब काट देते हैं, हम बता दें पावना मान लो कि ये सीधा काटना चाहिए उसको भी। तो ये हो गया ना, अब एक साबुन तो यहाँ पे हम कच्चा रख के बता देते हैं, तो अभी भी चाल बनाओगे ना तो पहले नीचे ही चाल बना। इतना ध्यान देना दोस्तों, 4 इंच का दीवार में ना जोड़ने के लिए ये जो ज्वाइंट है अपना, ये बीच में आना चाहिए हर एक नीचे। और आप वहीं भी लगा रहे हो ना ईंट, तो आप नीचे वाला रद्दा देख के चलोगे ना, जैसे कि मान लो हम ये रद्दा लगा रहे हैं, इसके नीचे वाले के सामने हम एक रद्दा लगा देते, तीसरा रद्दा देख के चलते हैं, तो उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, कोई भी नया मिस्त्री होगा ना, अगर उसको देख के चलेगा, साउंड करके चलेगा, तो बिल्कुल सही है। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक यहाँ पे अभी हम साबुत बता रहे हैं, और फिर इसके ऊपर अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ये जो आएगा ना, यहाँ पे ये बीच में आएगा, यहाँ डेली आपको डालना पड़ेगा। एक बात और, जब इसके ऊपर नीचे वाला जो ईटा है उसी के किनारे रखना चाहिए। हाँ, ये जो है ना, ये चुनाई काफी अच्छा लगेगा देखने में भी, और कोई भी कमी नहीं रहता है। मैं कितना बार आप लोग के वीडियो में मैं बताता हूँ, कभी भी कोशिश करना दोस्तों, कोशिश करना नीचे वाला जो ईट है उसी के सामने सामने का, तो देखने में भी बढ़िया लगता है और जॉइंट पड़ता है। इधर है देखिए, हमारा साउल है, कोशिश करना तो इधरों से भी ऐसे हम डोरी झुला देंगे, और ये हमारा कोर पे इतना देखने का जरूरत नहीं है, बस सामने रखना देखते हैं, इतना तो टाइम नहीं रहता है, लेकिन देख करके आदमी लगा लेता है। अरे सुनिए, एक बात और हमको बता दीजिए, इसके ऊपर भी गुनिया लगाते जाएंगे कि बस साहुल में पूरे आए? साहुल करो, ऊपर में गुनिया कर दिए, अभी नीचे गुनिया कर दिए, साहुल करोगे जैसे ये वाला हम साहुल कर देंगे, और ये वाला साहुल, और वहाँ से साहुल ऊपर में लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आप लोग के भी नॉलेज मिला होगा। अगर जो भी ऑडियंस देख रहे हैं तो वीडियो के दबा कर लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, कैसे हमारा ठेकेदार दोस्तों बहुत जगह ही काम करके और पास किए हैं और बहुत दिन से कमाए हैं, और आज नहीं तो सहयोग बनता है दोस्तों, कमवाते हैं रोटी देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे कलर भी चेक करते हैं, जितना सारा काम हो रहा है, अभी हम लोग किनारे में कितने हाइट पे है देखिए, नीचे से हम लोग काम करके दोस्तों यहाँ तक आए हैं, अभी ऊपर तक हम लोग का करना है चुनाई प्लास्टर, हमारा ठेकेदार जी कराते हैं, और हम कम से कम दोस्तों 6 बरस से हम यही ठेकेदार में काम कर रहे हैं, 2 बरस हम लोग गुम हो गए थे, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये दीवार के हम लोग जोड़ेंगे ऊपर तक, और ऊपर गुनिया लगा कर बताएंगे। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय जय राम दोस्तों, जय श्री राम।